नमस्कार साथियों, आज आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। पुरानी पेंशन को लेकर, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लेकर खबर है। गवर्नमेंट में कुछ चल रहा है मंथन, इसको लेकर के सरकार क्या चाह रही है और ये खबर कहाँ से आई, कैसे मिली, चलिए देखते हैं इस पूरी वीडियो में। ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। छोटी वीडियो है कि ये आखिर पुरानी पेंशन पर क्या चल रहा है सरकार के अंदर, देखते रहिए ध्यान से। ये देखिए, ये बहाली के संकेत मिले हैं पुरानी पेंशन के। पुरानी पेंशन बहाली के संकेत, ओल्ड पेंशन बहाली पर मंथन कर रही है केंद्र सरकार और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल मिला है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से और उन्होंने कुछ दिया है इसका आश्वासन। क्या आश्वासन दिया है, कब मिले हैं मंत्रिमंडल, कौन मिला है, देखिए रक्षा मंत्री से मुलाकात की गई है। ये खबर दी है लखनऊ से प्रकाशित अमृत विचार, एक समाचार पत्र है, दैनिक समाचार पत्र है लोकल। वहाँ के एक स्थानीय समाचार पत्र ने, अमृत विचार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार शाम को देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया। इसके अलावा समाप्त किए गए भत्ते पर भी वार्ता हुई है और ट्रांसफर जो पॉलिसी आई है अभी उसमें कुछ चेंज किया गया है उस पर भी वार्ता की है। इस पर रक्षा मंत्री ने क्या कहा, हमारे जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो महामंत्री आर के निगम ने बताया, जो महामंत्री है संगठन के, कि भेंट के दौरान रक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री से शीघ्र वार्ता की जाएगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के प्रकरण में केंद्र सरकार के स्तर पर भी मंथन चल रहा है, यानी जल्द ही इस विषय को लेकर कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा क्योंकि चुनावी वर्ष भी है, तो इसलिए कुछ ना कुछ कहीं कर पॉजिटिव न्यूज आती है, सकारात्मक न्यूज निकल कर आती है कि रक्षा मंत्री ने कुछ ऐसा कहा कि कुछ ना कुछ होने वाला है। ओपीएस के पर जाए, नई पेंशन स्कीम में बदलाव तो करने जा रहे हैं लेकिन साथ ही ओपीएस पर भी विचार चल रहा है। चुनावी वर्ष है, कुछ हो सकता है, संभावना ऐसी लग रही है सरकार की तरफ से, जैसे कल मुलाकात की थी। और ये खबर देखिए, अमृत विचार समाचार पत्र है लखनऊ का, वहाँ से प्रकाशित है और ये अखबार की कटिंग हमने वहीं से ली है कि पुरानी पेंशन बहाली पर मंथन कर रही है केंद्र सरकार, राज्य कर्मचारी संघ परिषद के प्रतिनिधिमंडल से बोले रक्षा मंत्री। ये खबर की कटिंग हमने ली है जिससे पुष्टि की जा सके और इसमें कहीं ना कहीं शनिवार को ऐसा कुछ कहा है रक्षा मंत्री ने कि पुरानी पेंशन बहाल भी हो सकती है। तो साथियों धैर्य बनाए रखे और कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, यानी पुरानी पेंशन बहाली की संकेत प्राप्त हो रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी अच्छी खबरों के लिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।